कैसे हैं दोस्त, वेलकम बैक एक और वीडियो में। मैं हूं और मेरे साथ है मेरा दोस्त कोर्नी, जो कि रशिया से है। ये लोग भी रशिया से डंकी लगा के आते हैं यहाँ पे फिनलैंड में, और ये तकरीबन एक महीना हो गया मेरे साथ पढ़ता है स्कूल में। तो आज इससे पूछते हैं कि फिनलैंड कैसा मुल्क है, किस तरह के यहाँ पे काम मिलता है, नहीं मिलता, ये क्या सूरत हाल है। प्रिवर Здравствуйте, меня зовут Корней, я из России, из Московской области, сейчас живу в Финляндии. Я приехал полтора месяца назад, живу в Хельсинки и учусь вместе с этим прекрасным человеком на курсах финского языка. Здесь мне нравится. Is this тебе нравится, да? Да, мне здесь нравится язык, культура. Ага. साथियों, बेसिकली ये अपना इंट्रो करा रहा था, मेरे को बोलता है कि आप वीडियो बनाते हो यूट्यूब पे, मेरे को भी अपनी वीडियो में लेके आओ। तो ये बता रहा था कि मैं रशिया से हूँ, मेरे को यहाँ पे एक या डेढ़ साल हो गया, मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे यहाँ का कल्चर मेरे को पसंद है। और ये साथ में एक और दोस्त है मेरा जो कि तुर्की से है, और ये भी यहाँ पर स्कीम लगा के आया हुआ है। साथियों, सच्ची बात बताऊँ तो यहाँ पे फिनलैंड में और स्पेशली तौर पे यूरोपियन जितनी ज़्यादा उम्र सीधा खातून होती हैं, वो यहाँ से तुर्की जाती हैं फ़न वगैरह करने, और तुर्की में जा के इस तरह के लौंडे लपाड़े जो होते हैं ना, वो उन बुढ़ियों को पकड़ लेते हैं, और ये लोग जो है वो स्कीम लगा के आ जाते हैं यहाँ पर। तो अगर कोई भी दोस्त स्कीम लगा के आना चाहता है यूरोप में, तो उसका सबसे सिंपल और आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तुर्की का वीज़ा लगवाएं। और तुर्की का वीज़ा लगवाने के बाद मौसम गर्मा के सीज़न में स्पेशली तौर पे तुर्की चले जाएं, और वहाँ पे आपको इस तरह की हज़ारों स्कीमें जो है वो मिल जाएंगी। और ये लोग भी इसी तरह करते हैं, सिर्फ अगर हमें लगता है ना कि हम पाकिस्तानी या इंडियन इसी तरह के काम करते हैं कि बुढ़ियों चुड़ियों से ब्याह व्यू करके आते हैं, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर फिनलैंड आने के बाद मेरे को पता लगा कि तकरीबन तमाम नेशनैलिटीज़ जो है वो इस तरह के काम करती हैं, और स्पेशली तौर पे ये तुर्के, क्योंकि फिनलैंड में मैं काफ़ी ज़्यादा तुर्कों को जानता हूँ जो कि फिनलैंड में बुढ़ियों वगैरह से या आंटियों वगैरह से शादी शुदी करके यहाँ पे आए हुए हैं, और उन्होंने वहाँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिए हैं। स्पष्टी बाबल शो, और मेरे को थोड़ी थोड़ी रशियन भी आती है, इस वजह से कोर्नी से मैं बातचीत करता हूँ। बेचारे को ना इंग्लिश नहीं आती, लेकिन ये बहुत अच्छा लड़का है, और मेरे को ये बता रहा था कि इसको भी अभी काम शाम नहीं मिल रहा, और अब इसी वजह से ये जो है ज़बान सीख रहा है। Тебе нравится Пакистан? Да, хорошая страна. Хорошая страна. Пакистан, Зиндабад. Пакистан, Россия, Украина. Yes. Союз дружбы. Союз. Кита спалим. Оле. Кстати, ये तो थी छोटी मोटी हल्की फुल्की बातें मैंने आप लोगों से की, और अब आज के मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। फिनलैंड में नया एक किस्म का स्कैम शुरू हो गया, कुछ स्पेसिफिक किस्म के लोग हैं जो कि वर्क वीज़ा का झांसा दे के लोगों को लूट रहे हैं। अभी भी पीएसए फिनलैंड में बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि किसी बंदे से एक बंदे ने, नबील नामी बंदा, उसने 12,000 यूरो लिए हैं, और उसको बोला है कि मैं आपको फिनलैंड का ओपन वर्क परमिट दूँगा, जो कि पैसे लेने के बाद वो बंदा जो है फरार हो गया है। और ये बंदा ऐसा नहीं है साथियों, मैं इस बंदे के बारे में आप लोगों को बताता चलूं कि उसने सिर्फ एक बंदे के साथ ऐसा काम किया है, बल्कि इससे पहले भी मेरा एक दोस्त था जिस बंदे को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं, उस बेचारे से भी इस बंदे ने स्कैम किया है जब वो यूक्रेन में पढ़ता था। और जब वो यूक्रेन में पढ़ता था तो उसकी इस बंदे से बातचीत हुई, इस बंदे ने उसको बहुत बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए कि फिनलैंड इस तरह का कंट्री है, हैप्पीएस्ट कंट्री है, वहाँ पर लोग 4 या 5 हज़ार यूरो आराम सुकून से कमा लेते हैं। तो इस तरह की बातें करके इसने उस बंदे से तकरीबन 4 या 5 हज़ार यूरो तक हथियार लिए थे। और अब जब वो बंदा यूक्रेन में जंग लगने के बाद यहाँ पे आया, तो उसने उस बंदे के साथ मुलाकात तक नहीं की, और उसे बोलता है कि यार ठीक है, अगले महीने मिलेंगे, उससे अगले महीने मिलेंगे, और उसने उसे एक ढेला तक नहीं दिया अभी। और अभी मैंने पिछले दिनों सुन रहा था कि किसी और बंदे से उसने 12,000 यूरो लिए हैं, और उसको बोला है कि मैं तुम्हें वर्क परमिट दूँगा। तो जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताता रहता हूं कि वर्क परमिट यहां का बहुत मुश्किल काम है साथियों। मैंने आप लोगों को याद होगा कि पहले एक वीडियो में बताया था कि वर्क परमिट तब किसी भी फील्ड में निकलता है जब उस फील्ड के लिए बंदा यहां पे फिनलैंड में मौजूद ना हो। किसी भी यूरोपियन कंट्री का अगर वर्क परमिट निकलता है, तो उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि उस कंपनी को फिनलैंड में सबसे पहले बंदा ढूँढना होगा। उसके बाद फिनलैंड में नहीं मिलता तो फिर पूरे यूरोप में उस कंपनी ने बंदे को ढूंढना होगा, और पूरे यूरोप में नहीं मिलता फिर जाके
आउटसाइड ऑफ यूरोप वो कंपनी कोई भी बंदा हायर कर सकती है। तो अगर आप में इतनी काबिलियत है, आपको लगता है कि आपकी काबिलियत का कोई बंदा ना तो फिनलैंड में है और ना यूरोप में है, तब आपको किसी फील्ड में वर्क परमिट मिल रहा है तो वो बिल्कुल वैलिड होगा। लेकिन दूसरे अगर मिल रहा है कोई वर्क परमिट क्लीनिंग का या इस तरह के कामों का, तो वो बहुत ही फिशी काम होगा। प्लीज़ ध्यान से रहिएगा, और अगर आपसे कोई बंदा पैसे मांगता है तो उससे पहले इस बात की तस्दीक कर लीजिएगा कि भाई कितना टाइम लेगा, अगर उस टाइम के अंदर अंदर मेरा काम ना हुआ तो मेरे को पैसे तुम वापस करोगे। इस तरह की बातें जहन में रख के किसी भी बंदे के साथ डील कीजिएगा। तो आज की वीडियो का करते हैं यहाँ पे इख्तिताम। हमारी क्लास शुरू होने वाली है और इस बेचारे को कोई समझ नहीं आ रही कि मैं क्या तकरीर कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव एंड पीस।